अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे घर में मुहर्रम शरीफ की महफिल है, जो कि यह महीना हमें दर्स देता है सब्र, शुक्र, आजज़ी, इंकसारी और साबित कदम रहने का और हक बात पर डट जाने का। जैसा कि नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने मैदान करबला में डट गए और 72 तन शहीद करवाए और अपना सर जो है वह तन से जुदा करवाया और इस्लाम को ज़िंदा रखा। जैसा कि एक बुज़ुर्ग ये शेर ऐसे पढ़ते हैं, कतले हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम ज़िंदा हो गया बस करबला के बाद। तो आज हमारे साथ रहिएगा, इस महफिल पाक में शामिल रहिएगा, आप भी पूरा व्लॉग देखिएगा। ये इधर फ्रूट्स वगैरह पड़ा हुआ है, बनाना, एप्पल और मैंगो, ये भी वॉश करके रखा है। साथ साथ हम तैयारी कर रहे हैं महफिल पाक की और बच्चियां अंदर पढ़ रही हैं, सारी सब ये बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं। अंदर बच्चियों का इंतज़ाम है, औरतों का इंतज़ाम है जी। ये इधर हम सब मिलकर तबरक की तैयारी कर रहे हैं और ये मसाला रेडी हो रहा है चावलों के लिए। चिकन और वाइट चने इसमें ऐड हैं और मसाला बुना जा रहा है। इसके आगे फिर आपको दिखाते रहते हैं, हमारे साथ रहिएगा, महफिल पाक में शामिल रहिएगा आप लोग भी। सारी चीज़ें आ गई हैं, दूध वगैरह ये चावल अब उसमें डाल दिए हैं, जो मसाला बनाया था ऑलमोस्ट रेडी होने के करीब ही है, बस इसके बाद दम देंगे। और अंदर बच्चों ने नाते स्टार्ट कर दी है, पढ़ना महफिल शुरू हो गई है, पढ़ाई मुकम्मल हो गई है कुरान पाक। माशाअल्लाह ये चावल रेडी हो गए हैं, तो तबरक रेडी हो गया है जो महफिल पाक के लिए बनाया है। तो अंदर बच्चियां बैठ के नाते पढ़ रही हैं, तो हम भी उनके पास ही जा रहे हैं, जाके नाते पढ़ते हैं, उसके बाद दुरूद व सलाम महफिल में, दुआ तक आप भी शामिल रहिएगा हमारे साथ। मौला हुसैन
सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका। जी महफिल जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, ये हम दुआ मांग रहे हैं और आगे तबरक रेडी है। अल्लाह ताला सब के जानो माल में, सब के रिस्क रोज़ी में बरकत अता फरमाए। जिस जिसने भी इस माह में नजर व न्याज की तो बरकत की, अल्लाह ताला सब के अपने बारगाह हयाली में कबूल मंजर फरमाए और इस घर में जो कमाने वाले जो खाने वाले सब की खैर अता फरमाए, सब के रिस्क रोज़ी में बरकत अता फरमाए। जो परदेश में है अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इसके साथ भी इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।